अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हम ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे मसाइल को लेके हम जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं और हम हिम्मत हार देते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी सुनाता हूँ, शायद जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हों, लेकिन उसका ये वाक्या और ये हकीकी स्टोरी आपको नहीं मालूम होगी। ये 1914 की बात है कि जब यूएसए की एक स्टेट में एक फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, और उस फैक्ट्री में आग लगती है, और उस फैक्ट्री में आग इतनी शिद्दत से लगती है कि 10 बिल्डिंग्स को वो अपनी लपेट में ले लेती है। तो जब उस फैक्ट्री के मालिक तक खबर पहुंचती है तो वो आता है, 65 साल का वो शख्स होता है खुद, और जब वो आके देखता है तो इतनी तेज आग लगी हुई होती है, इतनी तेज आग लगी होती है कि उसकी पूरी फैक्ट्री जो है वो जलकर राख हो जाती है, तहस नहस हो जाता है उसका सारा काम। लेकिन वो अजीब शख्स होता है, मैं खुद बड़ा हैरान हो गया उसकी बातें सुनकर, उसकी स्टोरी सुनकर, कि वो आता है और आके कहता है अपने छोटे बेटे को कि जाओ आप अपनी मम्मा को बुला के लाओ, और अब उन्हें कहो कि अपने दोस्तों को भी साथ बुला के लाए। मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खूबसूरत आग कभी नहीं देखी होगी, और याद रहे कि ये आग किसी घास को, किसी घास फूस को नहीं लगी थी। उसकी लाइफ की जो पूरी लाइफ के अंदर उसने जो कुछ सीखा था, जो कुछ बनाया था, उस सारी मेहनत पर पानी फिरा था, पानी नहीं बल्कि आग ही फिर गई थी। लेकिन वो शख्स कहता है कि आपने जाना है और जाके अपनी वालदा को, और उन्हें कहना है कि आप अपने दोस्तों को भी साथ बुला के लाएं, और देखें आपने ज़िंदगी में ऐसी आग कभी नहीं देखी होगी। तो उसका बेटा, जो कि खुद 24 साल का नौजवान होता है, और वो अपने वालिद से सवाल करता है बड़ी हैरानगी से कि बाबा, हमारी लाइफ का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, हमारी पूरी लाइफ की मेहनत जो है वो तबाह हो गई है, और आप कह रहे हैं कि ऐसी आग आपने कभी नहीं देखी होगी। तो क्या ही खूबसूरत वो जवाब देता है। वो कहता है, बेटा ठीक है, हमारी लाइफ की जो मेहनत थी वो ज़ाया हो गई है, वो जल गई है, लेकिन याद रखना एक चीज़ और भी जल गई है, और वो थी हमने पूरी लाइफ में जितनी मिस्टेक्स की थी, जितनी गलतियाँ की थी, वो सारी की सारी जल गई हैं। अब हम कल से एक नई लाइफ का आगाज़ करेंगे, कल से हम एक नया फ्रेश दिन जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमें एक छोटा सा नुकसान हो जाए, हम क्विट करके भाग जाते हैं, और हम कहते हैं कि शायद यही मसले का हल है। और अगर मैं स्टूडेंट्स की मिसाल दूं तो मैथमेटिक्स के अगर सवाल करने लगे ना, एक बार सवाल गलत हो जाए तो बच्चा कहता है, यार मैंने इतनी मेहनत से सवाल किया और ये गलत हो गया। और उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ की जो मेहनत थी उसको खुद अपनी आंखों से जलते देखा, लेकिन फिर भी उसने क्या फैसला किया कि कोई बात नहीं, जल गई, कल से हम एक नया दिन स्टार्ट करेंगे, कल से हम जो है वो एक नई शुरुआत करेंगे। और उस शख्स का नाम था थॉमस एडिसन। वैसे भी उसकी ट्राई ट्राई अगेन की एग्जाम्पल तो आपने वो बल्ब वाली सुनी होगी, कि ये एक ऐसा शख्स था कि जिसने 9999 दफा कोशिश की, 9999 टाइम्स उसने अटेम्प्ट किया कि मैंने बल्ब बनाने, लेकिन 9999 दफा नाकाम होने के बाद फिर ट्राई किया और आखिर कामयाब हो गया। तो लोगों ने फिर सवाल किया कि आप 9999 दफा फेल हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं 9999 दफा फेल नहीं हुआ, बल्कि 9999 ऐसे मेथड्स में इस्तेमाल करता रहा जिससे शायद बल्ब नहीं बन सकता था। लेवल चेक करें यार उस बंदे की जो है ना, वो बर्दाश्त का। देखिए, हमसे 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता, हम कहते हैं आज हमने काम स्टार्ट किया, रात और रात जो है वो कल तक हम अमीर हो जाएं, कल तक जब हम कामयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि वो फरमाते हैं कि अगर आप बड़ी कामयाबी के तलबगार हैं ना, तो याद रखिएगा बड़ी कामयाबियाँ बड़ी देर से मिलती हैं। तो कंसिस्टेंट रहें, जो आपने काम सोचा है
उसको करें, बेशक आप हजार बार ही फेल क्यों ना हो जाए। अगर 10,000 दफा बंदा फेल होने वाला फिर कामयाब हो सकता है तो भाई आप क्यों नहीं हो सकते? अगर दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।